अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल एग करी बनाने की रेसिपी। अगर आपने ये एग करी कभी नहीं बनाई हो तो चेंज के लिए आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा और गारंटी है कि आप हमेशा इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। महाराष्ट्रियन स्टाइल एग करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 मीडियम साइज़ का प्याज पतले स्लाइसेस में काटकर, 1/4 कप के बराबर लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1/2 कप के बराबर नारियल, सूखा नारियल है पतले स्लाइसेस में काटकर, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो सबसे पहले तवे पर मैं सूखे नारियल को अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लूँगी। नारियल को जल्दी फ्राई करने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं, तो 1 टेबलस्पून तेल डालकर नारियल को फ्राई कर लें। नारियल थोड़े से फ्राई होने लगे तब मैं यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ और अदरक को डाल दिया है, इनको भी नारियल के साथ ही फ्राई कर लें। फ्राई हो जाने के बाद इनको प्लेट में निकाल लूँगी। तवे पर फिर से 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर प्याज को अच्छा सुनहरा होने तक धीमी आंच पर फ्राई कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो नॉनस्टिक में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोहे का तवा हो तो लोहे के तवे पर ही इसे फ्राई करें, तो इस तरह से इसका जो फ्लेवर है मसाले में बहुत ही अच्छा आएगा। लोहे के बर्तन में पकी हुई सब्जियां या इस तरह से आप मसाला भून लें तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्याज को धीमी आंच पर इस तरह से लगातार चलाते हुए ही फ्राई करें, और जब इस तरह से गोल्डन रंग आ जाए तब इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो प्याज अच्छे से भुनेंगे और इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तेज़ आंच पर भुनने से प्याज जल सकते हैं और उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर में डाल दूंगी। पीसते समय डाल देना है 1/4 कप के बराबर भुना हुआ चना दाल। इसकी जगह आप चने दाल को भूनकर भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर सत्तू यूज़ कर लें 2 टेबलस्पून, फिर भिगोई हुई इमली डालकर इनका स्मूथ पेस्ट बना लें। अब दूसरी तरफ इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं और उबले हुए आलू। आलू यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन अंडे की करी में आलू का टेस्ट और भी अच्छा आता है। बच्चों को ख़ासतौर पर आलू बहुत पसंद आता है। तो अब अंडों में इस तरह से स्लिट्स बना लें, और फिर जब आप अंडों को फ्राई करेंगे तो तेल बिल्कुल भी नहीं छटकेंगे। अब यहाँ पर स्लिट्स लगा लेने के बाद अंडों के ऊपर और आलू के ऊपर इस तरह से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार छिड़क लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लें, मैरिनेट कर लें, और 5 मिनट बाद इनको मीडियम आंच पर तेल में फ्राई कर लेना है। जब तक अच्छा सुनहरा रंग आ जाए तब तक इनको फ्राई कर लें। जब तेल अच्छे गर्म हो जाए तो मीडियम आंच करके एक एक करके अंडों को और उबले हुए आलू को तेल में डालकर सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। बीच बीच में इसे स्टर करते रहें ताकि अंडे जो हैं चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हों। तो यहाँ पर जब अंडे फ्राई हो जाएं तो इनको मैं तेल में से निकालूंगी, इस तरह से सुनहरा रंग आ जाना चाहिए। फ्राई कर लेने के बाद अब हम करी बनाएंगे। बहुत ही कम वक्त में और सिंपल स्टेप्स में एग करी यहाँ पर बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो तेल बच गया है इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भून जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी पिसा हुआ पेस्ट। अब इस पेस्ट को भूनना है जब तक कि इसमें से तेल ना अलग होने लगे, यानी मसाला पूरी तरह पक न जाए। इसमें मैं डाल दूंगी सारे सूखे मसाले का पाउडर, जैसे कि गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर जो धनिया पाउडर है ताज़ा घर का पिसा हुआ है। अगर आप मार्केट का धनिया पाउडर यूज़ करते हैं तो इस रेसिपी के लिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया बाकी के मसालों के साथ भून लें और फिर उन्हीं के साथ पीस लें। यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके अब ढककर इस मसाले को तब तक पकाऊंगी जब तक कि तेल ना अलग होने लगे। ढकना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मसाले काफ़ी चिटकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर से अलग होने लगा है, लेकिन इसे करीब 2 मिनट के लिए और मैं भून लूँगी। बीच बीच में चलाते रहें ताकि मसाले जो हैं तले में चिपके नहीं और जले नहीं। मसाले अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी फ्राई किए हुए आलू और अंडे। फिर इनको अच्छे से मिक्स करके करीब 2 मिनट के लिए भून लूँगी, और इसके बाद इसमें डाल देना है पानी। तो जितनी कंसिस्टेंसी आपको इस ग्रेवी में चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें, और फिर अच्छे से मिक्स करके ढक कर करीब 5 से 7 मिनट के लिए और पका लें। 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि तेल ऊपर से अलग होने लगा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो करी है वो पूरी तरह पक गई है। आखिर में इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर लें और फिर इसे गर्मा गर्म आप स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें। ये एग करी खास तौर पे स्टीम्ड राइस के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप इस तरह से एग करी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।